पार्ट थर्ड ईयर पेपर सेकंड प्रसार शिक्षा एवं संचार, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कि सामुदायिक विकास क्या है, कि सामुदायिक क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास क्या है और सामुदायिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए हैं। सामुदायिक विकास जो है एक निश्चित भूभाग, जो कि एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोग, उनकी रुचियाँ, अभिव्यक्तियाँ, उनकी समस्याएँ, संस्कृति जो कि एक जैसी होती है, समुदाय जो कि वह समुदाय कहलाता है, यानी कि एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोग जिनकी रुचियाँ, समस्याएँ, संस्कृति लगभग एक जैसी होती है, उसे हम समुदाय कहते हैं। समुदाय के जो लोग हैं उनको अपनी समस्याओं की पहचान करना आना चाहिए। समुदाय के लोग जिन कार्यों को आपसी सहमति से मिलजुल कर करते हैं सामुदायिक कार्य वह कहलाता है। सामुदायिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आते हैं। पहला है स्वयं निर्धारण, यानी कि समुदाय के जो लोगों की समस्याएं लगभग एक जैसी होती है। समुदाय के जितनी भी सदस्य हैं उनकी जो समस्याएं वह लगभग एक जैसी होती है। जैसे जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो बाढ़ आने की समस्या उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की समस्या है। जैसे किसी की फसल जब किसी की बर्बाद हो जाती है तो उस समूह में रहने वाले सभी लोगों की फसल का बर्बाद होना समुदाय के लोगों की समस्या की जो कि लगभग एक जैसी बताई गई है। परंतु समस्याओं को पहचानना सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, यानी कि उनकी जो ग्रामीणों की जो समस्या उनको पहचानना भी सामुदायिक जो विकास कार्यकर्ता उनके द्वारा ही किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्य बाहरी व्यक्तियों की पहचान के द्वारा होता है। उन क्षेत्र की समस्याओं का समुचित ज्ञान नहीं कर तथा उन क्षेत्र की जो समुचित समस्याएं हैं उनका ज्ञान नहीं रहता और नई प्राथमिकता के आधार पर हम उन समस्याओं का समुचित ज्ञान कर पा नहीं रख पा नहीं रहता और नई प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का ही चयन कर पाते हैं। उनकी समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं का भी चयन करता कर पाते हैं। इस कारण जिनकी समस्याएं जब समस्या उनको यानी कि जिन समस्याओं के आधार पर समस्याओं का चयन करना होता है, उनका समाधान करना होता है, समुदाय के लोगों को अपना फायदेमंद नहीं होता। इसलिए यह भी जरूरी है कि पहले समस्याओं का निराकरण किया जाए और जो समस्या है उनका निराकरण किया जाए। समुदाय के लोग उन्हें महसूस करते हैं, जैसे बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बांधों का निर्माण किया जाए जिससे कि जान मान की उनके अंतर्गत हानि नहीं हो। इसके अंतर्गत जितनी भी जान मान की जितनी भी हानियाँ हैं जो बाढ़ के आने पर नहीं हो और उनकी जो समस्या उनका भी निरंतर समाधान किया जा सके, उनके ज्ञान, व्यवहार, कौशल एवं अभिव्यक्तियों में भी परिवर्तन लाना आसान नहीं है। ग्रामीणों की जो ज्ञान है, उनके कौशल है, उनकी जो अभिव्यक्तियाँ उनमें भी परिवर्तन लाना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए ग्रामीण नेताओं से संपर्क स्थापित करके उनके जो परिवर्तन संपर्क स्थापित करके ग्रामीणों की जो सभा बुलवानी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान भी उनके अंतर्गत किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। स्वयं के निर्धारण के द्वारा सेकंड आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक गति या चाल, यानी कि प्रत्येक समुदाय उसमें कार्य करने के लिए विभिन्न ढंग, गति एवं तकनीकी देखने को भी मिलती है, यानी कि प्रत्येक समुदाय में कार्य करने के लिए उनका ढंग, उनकी किस प्रकार से गति है वह भी तकनीक और यंत्र है उनका भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि अलग अलग जो व्यक्ति हैं अलग अलग तरीके से अलग गति से कार्य को करते हैं, यानी व्यक्ति सब अलग अलग गति से अपने कार्य को करते हैं, यानी कुछ लोग शीघ्रता से कार्य को कर लेते हैं तो कुछ लोग उन्हीं कार्य को बहुत ही धीमी गति से कार्य को कर पाते हैं। प्रगतिशील एवं विकासशील समुदाय शीघ्रता से परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी जो प्रगतिशील है और विकासशील जो समाज और समुदाय है उनमें शीघ्रता से परिवर्तन लाने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। जबकि पिछड़ा समुदाय परिवर्तन के प्रति काफ़ी दृढ़ होते हैं, यानी काफ़ी मजबूत होते हैं, अतः वे आसानी से दूसरे की बात को नहीं मानते। इसलिए वे आसानी से दूसरे लोगों की बात को नहीं मानते जो पिछड़े समाज के हैं या समुदाय परिवर्तन के प्रति हैं, और जो प्रगतिशील और विकासशील है वो शीघ्रता से परिवर्तन लाने के लिए उनके अंतर्गत तैयार रहते हैं। परंपराओं से चली आ रही जो कार्यशैली में परिवर्तन लाना भी संभव नहीं होता, अतः परिवर्तन जो है वह धीरे धीरे ही लाया जाता है। इसके लिए जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सामुदायिक विकास कार्यकर्ता है उनके
है, देखिए इसके अंतर्गत मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा काव्य सामुदायिक विकास काव्य के अंतर्गत तीसरा आता है सामुदायिक क्षमता में वृद्धि का, सामुदायिक जो क्षमता उनमें वृद्धि, यानी अनुभवों से जो यह ज्ञात होता है कि यदि समुदाय के किस समुदाय में किसी एक समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया जाता है या कि समुदाय के समुदाय में किसी एक समस्या पर सफलतापूर्वक जो है समाधान कर दिया जाता है तो दूसरी समस्याओं का समाधान करना भी आसान हो जाता है। उसके अंतर्गत जो दूसरी समस्याएं उनका भी समाधान करना भी आसान हो जाता है। इसका कारण है कि ग्रामीणों में सामुदायिक विकास कार्यकर्ता के प्रति विश्वास का होना, जो कि ग्रामीण है उनमें सामुदायिक जो विकास कार्यकर्ता उनके प्रति विश्वास का होना, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अतः वे समस्याओं की पहचान आसानी से भी कर सकते हैं। जो सामुदायिक विकास कार्यकर्ता है वो ग्रामीणों की जो समस्याओं उनको भी आसानी से पहचान सकते हैं और पहचान करके उनकी समस्याओं का समाधान भी उसके अंतर्गत किया जा सकता है और काफ़ी सारे उनकी समस्याएं जो है उनमें परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं। ये था कि सामुदायिक क्षमता में वृद्धि का होना, सामुदायिक विकास कार्य के अंतर्गत अगला है परिवर्तन की इच्छा, कि किसी भी समुदाय में किसी भी जो समुदाय है उसमें वांछित परिवर्तन लाने के लिए वहाँ के लोगों की इच्छा में परिवर्तन लाना भी जरूरी है। यानी कि किसी भी समुदाय में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वहाँ के लोगों के अंतर्गत उनके विचारों में परिवर्तन लाना ये है परिवर्तन की इच्छा है। जब तक वे स्वयं खुद नहीं जाएंगे, यानी ग्रामीण लोग खुद नहीं जाएंगे, उनकी वर्तमान परिस्थितियों में सुधार आए, ये दयनीय स्थिति क्या फिर उन्हें अपनी जो दयनीय स्थिति है उनसे छुटकारा पाने के लिए भी प्रयास करेंगे, तब तक कोई व्यक्ति संस्था या संगठन या सरकार उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। इसलिए लोगों में स्वयं के अंतर्गत परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। स्वयं के अंतर्गत परिवर्तन लाते हैं तो ग्रामीण जो सामुदायिक विकास कार्यकर्ता उनकी जो समस्याएं समाधान है उनकी परिस्थितियां उनको भी निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि सामुदायिक विकास कार्य स्वयं का निर्धारण सामुदायिक गति सामुदायिक क्षमता में वृद्धि और परिवर्तन की इच्छा लाना होता है। सामुदायिक कार्यक्रम के मुख्य भाग कौन कौन, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य भाग कौन से हैं, सामुदायिक विकास कार्य के मुख्य भाग जिसके अंतर्गत आता है पहला सामुदायिक विकास। ये तीन भाग है इसके, पहला पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत ही कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसके मुख्य भाग कौन कौन से, ये से तीन भागों में विभाजित किया, जैसे सामुदायिक विकास है, सामुदायिक संबंध और सामुदायिक संगठन, ये तीन इसके मुख्य भाग हैं। जैसे पहला है सामुदायिक विकास, किसी भी समुदाय में जब कोई एक योजना या कार्यक्रम को एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिससे समुदाय के लोगों को, जिससे समुदाय के जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचता है, तो उसे हम सामुदायिक विकास कहते हैं। ये एक समुदाय के अंतर्गत जब एक इकाई के रूप में, यानी कि एक योजना को एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम सामुदायिक विकास कहते हैं, उसे सामुदायिक विकास कहते हैं। कार्यक्रम से संपूर्ण समाज या कार्यक्रम से जो है संपूर्ण समाज है समुदाय उनको लाभ होता है और उसे भी सभी मिलजुल करके वे सभी लोग जो है मिलजुल करके कार्य को सफल बनाते हैं। भारत जैसे जो विकासशील देश में सामुदायिक विकास का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ की जो 75 से 80% जो जनता है गांवों में निवास कर, भारत की जो आधे से ज़्यादा है 75 से लेकर 80% तक जो जनता है गांवों में निवास करती है। उनका मुख्य अनादन कृषि पशुपालन है, उनका जो मुख्य धंधा या व्यवसाय है उनका कृषि है या पशुपालन है। इसलिए कृषि उत्पादन तथा पशुधन में वृद्धि करना जरूरी होता है ताकि उनके रहन सहन तथा उनके जीवन स्तर है उनके वांछित सुधार लाए जा सकते हैं। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम के काम, यानी कि जो ग्रामीण जो जन भारत की जो अधिकांश जनता है गांवों में निवास करती है और गांव के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि करना पशुपालन करना उनका मुख्य व्यवसाय है, ताकि उनके और उन सबका उद्देश्य है कि उनके गांव में रहने वाले लोगों के व्यवसाय में वृद्धि करके उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके। सेकेंड आता है सामुदायिक संबंध, मुख्य भागों के अंतर्गत पहला पढ़ा था सामुदायिक विकास, सेकंड पढ़ा है हमने सेकंड पढ़ेंगे हम सामुदायिक संबंध, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कौन कौन से संबंध इसके अंतर्गत स्थापित किए। सामुदायिक संबंध से
एजेंसी, कोई भी एजेंसी, एसोसिएशन अथवा काउंसलिंग जो समुदाय है के लोगों से किसी ने किसी तरह से प्रश्न स्थापित, जो भी प्रश्न है उन्हें स्थापित कर, उनके संबंध में स्थापित करना, यानी कि सामुदायिक संबंध जो है कि कोई भी एजेंसी है या एसोसिएशन संघ है अथवा काउंसलिंग समुदाय के लोगों से किसी ने किसी तरह से प्रयत्न करके उनके संबंध जो है उनके अंतर्गत स्थापित करना, जिसमें आता है सामुदायिक सहभागिता, जन संबंध, सामुदायिक सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। जिसमें पहला है सामुदायिक सहभागिता, समुदाय के जो महत्वपूर्ण समूहों के साथ एजेंसी अथवा एसोसिएशन का मधुर संबंध होना तथा उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील करना आवश्यक हो जाता है। नए जो विकास है, विकास के साथ नए जो विकासों के साथ संपर्क बनाए रखना और समुदाय में भावी विकास की योजनाओं को कुछ हद तक नियंत्रित रखना सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत है। सेकंड आता है इसके अंतर्गत जन संबंध, जनता के द्वारा संबंध स्थापित, समुदाय के लोगों के यानी कि जो समूह के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उनके उनका जन संबंध होना भी आवश्यक है। जैसे किसी निजी संस्थान है, गैर सरकारी संस्थाएं, एजेंसियां आदि समुदाय के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके नई योजनाओं के बारे में उनको जानकारी प्रदान करना, जो कि जन संबंध के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है सामुदायिक सेवाएं, सामुदायिक जो सेवाएं है कौन कौन सी, जैसे समुदाय के लोगों के लिए जो सेवाएं उपलब्ध करवाई, समुदाय के जो समूह के लोग हैं उनको जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है वह कहलाती है सामुदायिक सेवाएं। फिर आता है ये है सामुदायिक सेवाएं। तीसरा इसके अंतर्गत यानी मुख्य भागों के अंतर्गत ही आता है यानी कि सामुदायिक संगठन कौन से, ये तो थे सामुदायिक संबंध और तीसरा आता है सामुदायिक संगठन, सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य भागों के अंतर्गत पढ़े थे हमने सामुदायिक विकास की, और फिर पढ़ा था सामुदायिक संबंध किस प्रकार से जनता के साथ सामुदायिक संबंध स्थापित करना, तीसरा पढ़ रहे हैं सामुदायिक संगठन। सामुदायिक संगठन से है कि स्वावलंबी जो संगठनों को विकसित करना, जो प्रसार के द्वारा व्यक्तियों को सही ढंग से मार्गदर्शन दे, उन्हें सहयोग प्रदान कर सके। सामुदायिक विकास एक विधि प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं, उनके उद्देश्यों, उनके जो उद्देश्य, उपलब्ध जो संसाधन है, उपलब्ध प्राकृतिक मानवीय संसाधनों को पहचानना, ताकि जो ग्रामीण जनता उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। लोगों की जो अभिव्यक्ति है, सोच है, विचार है, उनमें भी परिवर्तन लाना सामुदायिक विकास कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है। नवीन तकनीकों है, अनुसंधानों एवं उनकी खोजों को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना, जो नए नए जो आविष्कार है उनको खोज करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, लोगों के विचारों में परिवर्तन लाकर परस्पर सहयोग से जीवन स्तर में सुधार लाना भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। कि यानी जो ग्रामीण जनता है उनके जो रहन सहन का स्तर है उनको ऊंचा उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये पढ़ा था सामुदायिक विकास कार्य के अंतर्गत पढ़ा था कि स्वयं किसी चीज़ का निर्धारण करना, सामुदायिक गति या उनकी चाल किस प्रकार है, सामुदायिक क्षमताओं में वृद्धि करना, परिवर्तन की इच्छा। फिर भी इसके अंतर्गत पढ़ा ये तो थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य भाग, ये तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन कौन से थे। अब पढ़ा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य भाग जिसके अंतर्गत सामुदायिक विकास, सामुदायिक संबंध यानी लोगों के साथ किस प्रकार जन संबंध स्थापित करना, सहभागिता स्थापित करना और उनकी जो सामुदायिक सेवा है उनको भी ग्रामीण जनता को प्रदान करवाना, ये सारे सामुदायिक संबंध के अंतर्गत पड़े। फिर पढ़ा था सामुदायिक संगठन की जिनका उद्देश्य है कि ग्रामीण जो लोग हैं उनके जो रहन सहन का स्तर है उनको ऊँचा उठाना, यह उनका मुख्य उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम।